चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने कुनबे को समेटने में लगी हैं। गठबंधन तो अपने आप को एकजुट कहने का नाटक कर रहा है, जबकि ये सबको पता है कि सपा बसपा या फिर तृणमूल कांग्रेस कोई भी कांग्रेस को किसी मामले में आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। जल्द ही गठबंधन की एकजुटता जनता के सामने बेनकाब होने वाली। आज हम बातें कर रहे हैं एनडीए की एकजुटता को लेकर। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा की ताकत के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा चाहे तो देश में लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर जीतने का भी दावा रखती है, फिर भी भाजपा अपने सहयोगियों को समेटने की कोशिश कर रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर उद्धव ठाकरे। दोनों मोदी के सामने गठबंधन के लिए ऐसी शर्त रख रहे हैं जिसे कोई भी ताकतवर पार्टी नहीं मान सकता। फिर तो ये भाजपा है, बीजेपी जिसने बिना नीतीश और उद्धव के कितने ही राज्यों में सरकार बनाई। ऐसा नहीं कि शिवसेना भाजपा की कट्टर विरोधी है, क्योंकि ऐसा होता है कि शिवसेना देश और राज्य दोनों जगह भाजपा को समर्थन नहीं देती। शिवसेना का ना ही गठबंधन से कोई जुड़ने का इरादा है। शिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताव में भाग ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का ही साथ दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा शिवसेना कोई भी झुकने को तैयार नहीं। अंततः अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें। वहीं शिवसेना भी राज्य में अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि दोनों दल लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के विरोधी के रूप में मैदान में उतरेंगे, लेकिन इन दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने पर भी किसी तीसरे दल का राज्य में जीतना मुश्किल है। अगर चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना का किसी से गठबंधन की नौबत भी आई तो उसे भाजपा से ही गठबंधन करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि शिवसेना के पार्टी संविधान में एनसीपी और कांग्रेस फिट नहीं बैठती। जिस तरह शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद और इतने मतभेद होने के बाद भी आज तक भाजपा का साथ दे रही है, वैसे ही अगर एनडीए को लोकसभा चुनाव में कुछ कम सीटें हासिल होती हैं तो निश्चित रूप से शिवसेना का भाजपा को समर्थन करने की संभावना है। खैर, चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर चुनाव पूर्व भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटने से गठबंधन थोड़ी खुश जरूर हो सकती है। थैंक यू सो मच।